ओके सो आइए हम डायनेमो के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने रेविट 2018 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है, उसमें हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। आप कोई भी टेम्पलेट ओपन कर सकते हो। तो एक बार ये टेम्पलेट ओपन होने के बाद डायनेमो को लॉन्च करने के लिए मैनेज टैब में जाके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डायनेमो, तो ये ऑप्शन को क्लिक करने से डायनेमो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। डायनेमो आप रेविट के थ्रू ही ओपन कर सकते हो। डायनेमो के दो टाइप्स हैं, डायनेमो फॉर रेविट और डायनेमो स्टूडियो। अगर आपके पास डायनेमो स्टूडियो है तो वो आप बाहर से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन डायनेमो फॉर रेविट है तो वो आपको रेविट में जाकर ही वो आप डायनेमो ओपन कर सकते हो। तो मैनेज में जाके डायनेमो पर क्लिक करते हैं ताकि वो डायनेमो हमारा इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा पहली बार अगर आप ओपन करते हो तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा उसको लोड करने में और उसको ओपन करने में टाइम लगेगा। अगर आप पहली बार डायनेमो ओपन करते हो तो ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा एग्री करना पड़ेगा। सो सिलेक्ट बोथ टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। और ये दिस इज़ गेटिंग स्टार्टेड ऑफ डायनेमो, कि अगर आप डायनेमो के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ से आप डायनेमो के बारे में भी जान सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी उसको क्लोज़ करता हूँ और ये विंडो को हम मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये अपना डायनेमो ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास कुछ सेक्शंस है, फाइल सेक्शन, कि जिसके थ्रू आप कोई भी नई फाइल, कोई भी नया ग्राफ, कोई भी नई प्रोग्रामिंग स्टूडियो वो आप ओपन कर सकते हो। और अगर आपने सेव किया है तो वो आप एग्जिस्टिंग भी ओपन कर सकते हो। फिर उसके बाद है आस्क, जहाँ से आप डिस्कशन फोरम और डायनेमो वेबसाइट में भी जा सकते हो। और यहाँ पर कुछ सैम्पल्स बेसिक्स फाइल्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका वर्क फ्लो है वो वर्क फ्लो ओपन हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार डायनेमो सीख रहे हो तो ये फाइल को आप ज़रूर देखो, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि डायनेमो का वर्क फ्लो कैसा रहता है और किस तरीके से वो वर्क करता है। तो हम क्लिक करते हैं न्यू के ऊपर। तो न्यू के ऊपर क्लिक करने से आप देख सकते हो कि आपके पास ये एक पूरा स्क्रीन ओपन हो गया है। तो ये स्क्रीन में सबसे पहले ऊपर है आपके पास मेनू बार। मेनू बार में आपके पास ये ऑप्शन है, फाइल, एडिट, व्यू, पैकेज, सेटिंग और हेल्प। मेनू बार के बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये टूल बार, जिसमें भी आप कोई भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। ओपन फाइल, सेव फाइल, अनडू, रीडू। और उसके बाद ये एक लाइब्रेरी पैनल्स हैं, कि जहाँ से आप नोड यूज़ कर सकते हो और नोड को यूज़ करने के बाद उसको आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो। और ये जो जनरली ये लाइब्रेरी पैनल लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये जो वर्कस्पेस है वो वर्कस्पेस अपना राइट हैंड साइड होता है। तो ये पूरा वर्कस्पेस है। और ये लास्ट में एग्जीक्यूशन बार है, जहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अगर आप मैनुअल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर रन का भी ऑप्शन होगा, तो जब तक आप रन पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्रोग्राम को। तो अगर हम यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट करें तो जैसे ही आप प्रोग्राम को क्लिक करते हो और कोई भी कमांड देते हो तो वो अपने आप यहाँ पर रन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सपोज़ मैं कोर में जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास मैथ्स के भी ऑप्शन है। सपोज़ मैं मैथ्स में जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है। तो आप कोई भी फॉर्मूला कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, एवरेज नंबर। सिमिलरली अगर आप ज्योमेट्री में जाते हो तो आप कोई भी तरीके की ज्योमेट्री बना सकते हो। ज्योमेट्री में आपके पास सर्कल है, कॉन है, कर्व है, पॉइंट है। तो सपोज मैं अगर पॉइंट में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं पॉइंट पे और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कमांड है पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट। पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट में दो ऑप्शन है, एक्स और वाई और एक्स वाई जेड। तो सपोज़ मैं एक्स वाई जेड पे क्लिक करूँगा तो उसका जो टास्क है वो टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायनेमो यूज़ कर सकते हो। तो ये अपना डायनेमो का इंटरफेस है, जहाँ पर ये
मेनू बार है, उसके बाद ये टूल बार है, उसके बाद ये लाइब्रेरी पैनल है जहाँ पर सब नोट्स ऑटोमेटिकली सेव किए हुए हैं, उसके बाद ये अपना वर्कस्पेस है, और लास्ट में ये एग्जीक्यूशन बार है।